नमस्कार, आप देख रहे हैं सारा टीवी लाइव मीडिया नेटवर्क, एक कदम आगे। जो हम पहली वेव से कह रहे हैं कि हाई रिस्क कैटेगरी के लोग बाहर ना निकले, घर में भी मास्क का इस्तेमाल करें, अगर ये चीजें सावधानी हर व्यक्ति बरत ले तो बहुत बड़ा कार्य हो सकता है, क्योंकि इन्फेक्शन की चेन को रोका जा सकता है, बहुत सारे लोगों के अमूल्य जीवन को बचाया जा सकता है। हम लोगों को बताने की आवश्यकता है, हाई रिस्क कैटेगरी में 60 साल से ऊपर के लोग, 10 साल से छोटे के बच्चे, कमजोर इम्यूनिटी के लोग, गर्भवती महिलाएं या एक से अधिक बीमारियों से ग्रसित कोई भी व्यक्ति, ये लोग घर से बाहर निकलने में परहेज करें। शेष अन्य लोगों को घर के बाहर निकलना और जब आवश्यक हो तभी निकलें, लेकिन मास्क जरूर पहने, 2 गज की दूरी का पालन भी करें। ये उनके स्वयं के बचाव के लिए आवश्यक है। जी सर, अगर इन चीजों का हम व्यापक प्रचार प्रसार करके हर व्यक्ति को मास्क लगाने के लिए उन्हें बाध्य कर सकें, जागरूक कर सकें और 2 गज की दूरी का पालन करने के लिए भी उन्हें जागरूक कर सकेंगे, ये बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। कोविड के संक्रमण की चेन को हर एक स्तर पर रोकने में मदद मिल सकती है। सरकार का जो अभियान है वह तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। आज उसी का परिणाम है कि पॉजिटिविटी लगातार गिर रही है और रिकवरी रेट हमारा तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। हमारा विश्वास है हम सभी के सहयोग से बहुत शीघ्र सेकेंड वेव पर भी विजय प्राप्त करेंगे, कोरोना हारेगा, देश जीतेगा, इस विश्वास के साथ आप सभी लोग कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मतलब वो दोनों टाइप हो जाएगा, उससे सबको लाभ मिल जाएगा। और दिक्कत ये आ रही है, जैसे मैंने अभी मैं अपने MOIC देवबंद से पूछ रहा था, आज 27 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, अभी 2 बजे तक मैंने 2 बजे से मेरी बात थी, तब तक केवल 7 लोगों ने लगाया। नमस्कार।